वेलकम टू माय चैनल शालू ब्रेडा किचन। ये मैंने 6 से 7 प्याज कट कर लिए हैं, बड़े बड़े पीसेस, 6 से 7 टमाटर, और ये मेरी 250 ग्राम मटर है, ये मेरा 1/2 किलो पनीर है जो मैंने घर में बनाया था। मैंने इसकी आपको वीडियो भी सेंड की है। अब फ्रेंड्स मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। ये मेरा चिल्ली गार्लिक पेस्ट है, ये मैंने गैस पर पैन रख लिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी जब ये गर्म हो जाएगा अच्छे से हाई फ्लेम पर। इसमें ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा ज़्यादा सा, क्योंकि मटर पनीर की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ऑयली अच्छी लगती है। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें अनियन ऐड करूँगी। अब मैं इन्हें थोड़ा सॉफ्ट होने तक चलाऊँगी। ये मेरी अनियन सॉफ्ट हो चुकी है, मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर ऐड कर दूँ अपने, अब इन्हें सॉफ्ट होने तक चलाते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी जिससे ही जल्दी सॉफ्टनेस आ जाए, इसमें भी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली गार्लिक पेस्ट। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मुझे कम स्पाइसी चाहिए था इसलिए मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, क्योंकि मैंने इसमें रेड चिल्ली भी यूज़ की है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि ये सॉफ्ट हो चुका है, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। ये मैंने बंद कर दिया अपनी गैस को, अब मैं इसे ठंडे होने तक वेट करती हूँ, फिर उसके आगे बताते हैं क्या करेंगे। 2 टीस्पून कच्चा दूध, अब इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें जो फ्लेवर आएगा ना वो आप देखिएगा, बहुत टेस्टी आएगा। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मेरा 1/2 किलो पनीर है जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मेरे ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल देती हूँ मिक्स करने के लिए। मैंने प्योरी बना ली है प्याज और टमाटर की, अपने बर्तन चढ़ा लिया है हाई फ्लेम पर। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और आपको अपनी मटर पनीर की सब्ज़ी बना के दिखाती हूँ ईजीली। मेरा पैन गर्म हो गया है, मैंने इसमें ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल थोड़ा कम लिया क्योंकि मैंने पहले ज़्यादा ऑयल ले लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल ले लिया है क्योंकि मेरा ऑयल बैलेंस बना रहेगा। 1/2 टीस्पून जीरा डालूँगी, 1 अनियन, खड़े मसाले डालूँगी मैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं डाइजेस्ट होने में भी, और वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब इन्हें ब्राउन होने तक मैं चलाऊँगी। देख रहे हो फ्रेंड्स, मैंने इसमें कोई भी खड़े मसाले ऐड नहीं किए हैं क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते और मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें अपनी प्याज टमाटर की प्योरी ऐड करूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब जब तक ये इसकी अच्छे से कलर ना आ जाए, जितनी है उसकी हाफ ना हो जाए, तब तक मैं इसे बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लिया अपने मिक्सी के जार को धोकर। आप भी बिल्कुल थोड़ा ही करें। अब इसे हाई फ्लेम पर पकने दें ढककर, जब तक ये हमारी जितनी क्वांटिटी है इसकी हाफ ना हो जाए। मैंने अभी इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं इसलिए चिपकेगी नहीं, पर फिर भी मैं इसे बीच बीच में चला दूँगी क्योंकि मुझे 10 से 15 मिनट तक उबालनी है जिससे कि इसका पानी ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें अपनी मटर ऐड कर दूँगी, अच्छे से चला दूँगी कर लूँ। अब मैं इसमें 1 कटोरी मिल्क ऐड कर दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको दिख रहा है कितना प्यारा कलर आ गया है, इसे ढक के 10 से 15 मिनट में अच्छे से उबाल लूँगी। मैंने ढक दिए खदकने के लिए। इसमें बस 1 स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ, पनीर बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है क्योंकि ये फ्रेश पनीर है, मैंने घर में बनाया है अपने आप। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और 2 मिनट तक पकाऊँगी बस, उसके बाद इसे मैं बंद कर दूँगी। लो फ्लेम पर पकाना है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें थोड़ा टेस्ट लाने के लिए 2 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ जो मैंने अपने दही में से निकाली है।